Any biography should begin with the birth of a person and end with his death. And this book is, of course, no exception. But in addition to that, before his birth, I have documented the genealogy of Shyama Prasad Mukherjee and a short description of the achievements of his illustrious father, Sir Ashutosh Mukherjee. Then there are chapters on his student life, his tragically short married life, his years as Vice Chancellor. He had been the youngest Vice Chancellor ever, having gone to that post at the age of 33 only in the year 1934. And finally, his entry into politics, which took place in 1939. I have tried to emphasize in the book that his politics was essentially constitutional, right-wing and Indo-centric. He was a constitutional politician at heart, the very antithesis of a revolutionary. सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनके जीवन का जो पहलू था वो पहलू था कि वो एक नायक थे और नायक भी ऐसे थे जो विलक्षण थे। नायक कौन होता है? नायक वो होता है जो परिस्थितियों के सामने अकेला खड़े होने की हिम्मत करता है, कोई उसका साथ दे चाहे ना दे। धारा के विपरीत उस धारा को चुनौती देना, उस धारा के खिलाफ लड़ने के लिए आह्वान करना और कोई साथ ना दे तो सबको छोड़कर अकेले चल पड़ना, ये जिनमें साहस होता है उनको नायक कहा जाता है। और वास्तव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अप्रतिम नायक थे और उस अप्रतिम नायक के जीवन के अनेक पक्षों की चर्चा इस पुस्तक के माध्यम से हम सबके सामने आएगी। विभाजन के कारण इतनी सारी देश के सामने दिक्कतें आईं, तो अगर किसी के ऊपर सबसे अधिक उसका प्रभाव पड़ा और जिसने एक नई पार्टी आरंभ करते ही पहले पहले अधिवेशन में उनको कहा कि हमको अगर कोई चिंता करनी है तो इस बात की करनी है कि हमने देश के दो टुकड़े होने दिए, अब इसके बाद कभी देश की एकता पर फिर से संकट ना आए इसका प्रबंध करना है। मैं मानता हूं कि इस सारे 1951 में जब से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ तब से लेकर के आज तक मैं भारतीय जनसंघ या फिर आगे चल करके हम जनता पार्टी में गए, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, तो इस पूरे 60 साल के कालखंड में और अनेक आंदोलन देखे, अनेक अच्छे अच्छे ओजस्वी तेजस्वी प्रेरणा देने वाले नारे सुने, लेकिन उस पहले पहले भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में जम्मू कश्मीर को लेकर के और देश की एकता को लेकर के जो नारा हमने वहां से उठाया लिया, एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, उस जैसा कोई दूसरा सार गर्भित संदेश देने वाला, प्रेरणा देने वाला, तेजस्विता जगाने वाला और कोई नारा सुना नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहां अप्रतिम नायक कहा गया है। अप्रतिम का अर्थ होता है सेकंड टू नन, सर्वश्रेष्ठ।
वो अप्रतिम छात्र भी थे, वो अप्रतिम शिक्षाविद भी थे और वो अप्रतिम राजनेता भी थे। तो अप्रतिम नायक व्यक्ति ऐसे ही नहीं बनता, उसके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं उसे सेकंड टू नन बनाती हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। और ये पुस्तक एक ऐसा गागर में सागर है कि यदि आप डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को का अध्ययन करना चाहते हैं, उनको किसी कसौटी पर परखना चाहते हैं, तो ये अकेले पुस्तक काफी है। शायद ये शीर्षक उस पुस्तक के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त था, क्योंकि अप्रतिम कौन होता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है रश्मि रथी, उनकी काव्य रचना है, बहुत सुंदर है। उसमें उसकी 6 पंक्तियां इस अप्रतिम नायक की बात कहती हैं। भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अनगिन यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। ये 4 प्रश्न हैं और जवाब है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। डॉक्टर मुखर्जी वो थे जिन्होंने अपने 52 वर्ष की उम्र में कभी आराम नहीं किया, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए काम किया। ऐसे अप्रतिम नायक को मेरा शत शत अभिनंदन।